हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरेट माइंड। डियर स्टूडेंट, सीबीएसई ने क्लास 12 के टर्म 2 एग्जामिनेशन का डेट शीट अनाउंस कर दिया है। तो क्लास 12 के जो एग्जामिनेशन है टर्म 2 के लिए, वो आपके 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। टर्म 2 में जो इस बार आपका पेपर पैटर्न रहेगा, वो सब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, जबकि टर्म 1 जो आपने एग्जामिनेशन दिया था वो वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस आए थे। टर्म 2 के अंदर रिमेनिंग 50% आपका सिलेबस आने वाला है। दैट मींस जितना आपका टर्म 1 में सिलेबस आ चुका था, अब वो नहीं आएगा। रिमेनिंग 50% जो पोर्शन बचा हुआ है वो आपके टर्म 2 के अंदर सिलेबस रहेगा। जहां तक पेपर के ड्यूरेशन की बात है, तो 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा आपके इस सब्जेक्टिव पेपर में, जो कि टर्म 2 का होने वाला है। जो डेट शीट है इसके अंदर, तो यहां पर हमने थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर दिया है। ये साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए हमने यहाँ पर एक अलग से डेट शीट बना दी है। तो 2 मई को आपका पेपर होगा हिंदी का, 7 मई को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, 13 मई को आपका इंग्लिश का पेपर होगा, 20 मई को फिजिक्स का पेपर है, 30 मई को आपका बायोलॉजी है, 2 जून को फिजिकल एजुकेशन, 4 जून को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर किसी ने सब्जेक्ट ले रखा है आईटी का, तो उनका पेपर 4 जून को होगा, 7 जून को मैथमेटिक्स है, एंड 30 जून को उनका पेपर होगा कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो ये डेट शीट है आपके लिए, जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो 26 अप्रैल से आपका क्लास 12 का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है इसे कि जेई मेन और जेई एडवांस ने भी कुछ दिनों पहले अपनी डेट अनाउंस कर दी थी। तो जहां तक अगर मैं आपसे जेई मेन की बात करता हूं, तो जेई मेन का पेपर इस बार 2 सेशन में होने वाला है, अप्रैल और मई सेशन में। तो अप्रैल में जो एग्जाम स्टार्ट होगा, वो 16 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 21 अप्रैल तक आपका जेई मेन का एग्जाम होगा। हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो क्लास 12 का एग्जाम हो रहा है, उससे पहले ही आपका अप्रैल अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पहला सेशन जेई मेन का आपका एग्जाम हो जाएगा क्लास 12 के एग्जाम स्टार्ट होने के पहले। जहां तक सेकंड सेशन की बात है, मई वाले सेशन की बात है, तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 मई तक, यहां तक आपका ये अप्रैल एग्जाम, मई सेशन का जो एग्जाम है जेई मेन का, ये उसकी यहां पर डेट रहेगी। बात करते हैं जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस जो डेट आपके पास में, ये 3 जुलाई आपके पास में जेई एडवांस एग्जामिनेशन का डेट रहेगा। ओके, जो अदर सब्जेक्ट के पेपर्स होंगे, जैसे किसी का कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबकी डेट्स भी हमने यहां पर इस शीट के अंदर लिखी हुई है। सारी डेट्स यहां पर है, ये सीबीएसई ने डिक्लेयर किया वाला पूरा शीट, तो इसमें आपके पास यहां पर ये सारी डेट्स इसके अंदर अवेलेबल है। अब बात ये आती है कि अब कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं अगर आपसे पहले बोर्ड की बात करता हूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम आपको देना है और आपको एक अच्छा स्कोर लाना है, तो सबसे जो बेस्ट सजेशन अभी रहेगा आपके लिए, इस टाइम में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने चाहिए। जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स हुए बोर्ड एग्जामिनेशन के, उनको आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, क्योंकि अब जो आपके पास में टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में आपको रिविजन करना है। और रिविजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, उन पेपर्स को चैप्टर वाइज सोल्व करें। लास्ट 5 ईयर्स की या 10 ईयर्स का पेपर ले लीजिए और उन पेपर को चैप्टर वाइज उनके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्योंकि अभी आपको एक थोड़ा, जो अभी तक ये हो रहा था कोविड में, कि आप लोगों का थोड़ा लिखने का हैबिट कम हो गया था, क्योंकि लास्ट ईयर भी जैसे आप 11th क्लास में थे तो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए थे, लेकिन अब सारा सिस्टम नॉर्मल हो चुका है। तो अब आपका पेपर होगा बोर्ड का, वो भी सब्जेक्टिव होगा, तो आपको अपनी लिखने की हैबिट थोड़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ा आपको उसमें काम करना पड़ेगा। तो जब आप रिविजन करें, जब आप प्रैक्टिस करें, तो कोशिश कीजिए कि जो आपके डेरिवेशन है, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उन सबको आप पूरा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग होती है। क्लियर? थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी आ रहा होगा कि सर कैसे मैनेज करें कि जेई मेन का एग्जाम भी आ गया और आपका साथ में बोर्ड का एग्जाम भी आ गया है, लेकिन आप उसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो आप 12th क्लास का जो पोर्शन आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, यही आपका जेई मेन का सिलेबस भी होगा। थोड़ा सा चैलेंज आपके लिए 11th क्लास के सिलेबस से आ सकता है, क्योंकि 11th क्लास आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी और जेई मेन में इस बार आपका दोनों आना है। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि जेई मेन के लिए आप 11th क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, 12th का आपको दोबारा से जेई मेन के लिए स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ रहे होंगे वही सारा सिलेबस आपका यहां पर जेई मेन में भी रहेगा 12th क्लास के पोर्शन में, लेकिन 11th क्लास को आपको फोकस करना पड़ेगा। तो 11th क्लास का एक बार आप क्विक रिवीजन कर लीजिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि अभी जो आपके पास टाइम है, इससे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कैरेबन की टेस्ट सीरीज भी AITS जेई मेन के लिए। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो आपका रिवीजन करना चाहते हो 11th क्लास का, वो भी आपको वहां पर एक
तरीके से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अभी जो टाइम आपके पास ही बचा हुआ है, इसमें एक तो आपको क्लास 11 के रिवीजन को फोकस करना है फॉर जेईई मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, और अपने क्लास 12 की तैयारी आप करते रहिए, उससे आपके जेईई मेन का जो 12 क्लास का पोर्शन है वो भी साथ के साथ कवर होता रहेगा। जेईई एडवांस की जहां तक बात है तो 3 जुलाई को आपका जेईई एडवांस का एग्जाम होगा, उसके लिए आपके पास में सफिशियंट टाइम है, तभी आप हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। अभी जो मेन चीज हमारे टारगेट हमारे सामने है वो एक तो आपका जेईई मेन का एग्जामिनेशन है और एक आपका यहाँ पर क्लास 12 का एग्जामिनेशन है। जहां तक बायो स्ट्रीम के बच्चों की बात है, उन्हें टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो उनका भी मेडिकल का एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है, तो उनके पास सफिशियंट टाइम रहेगा नीट का एग्जाम देने के लिए। लेकिन जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस थोड़ा और स्पीडली स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके डियर, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।